हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि हम बहुत अच्छे होंगे। हम बनाते हैं आज फिश करी। फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में एक चम्मच हल्दी पाउडर लेते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर लेते हैं और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लाल मिर्च लूँगी। अब जो हमने फिश ली थी, फिश के पीसेज अच्छे से हमने वॉश कर लिए हैं और जो हमने मसाला लिया है उसको अच्छे से आपस में मिला लिया है। मिलाने के बाद जो हमने पीसेज लिए थे वॉश किए हुए पीसेज पे ऊपर से लगाएंगे। इसको अच्छे से दोनों साइड से पलट पलट कर लगा लेंगे। देखा, सारे पीसेस पे अच्छे से लग गया है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए कुछ टाइम के लिए रख देंगे। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है। हम प्याज को काट लेंगे। मैंने ये कुछ प्याज ली है, एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं, एक टमाटर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। इस पर एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। तेल बॉईल होना चाहिए। तेल बॉईल हो गया है। इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। देखा, ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हरी मिर्च और अदरक ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से चलाएंगे। ये अच्छे से गल गए हैं। अब इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा तेल ऐड कर दिया है। तेल बॉईल हो गया है। अब हम इसमें मछली के पीसेज ऐड करेंगे। ये मछली के पीस ऐड किए हैं और हम इनको अच्छे से भूनेंगे। आपको ज़्यादा नहीं भूनना है मछली के पीसेज को, क्योंकि मछली जल्दी टूटने लगती हैं। इनको हल्के से भूनेंगे और इनको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाएं। कितने अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। हमने जो वो प्याज और हरी मिर्च और टमाटर भुने थे उनको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। और हम गैस ऑन करेंगे, उसके बाद तेल बॉईल होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे।
जो हमने ग्राइंड किया था वो मसाला इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे कुछ देर चला के। बोल का बनाना है, मैं इतना डाल लेगी, इतना डाल लेगी। ये अच्छे से पक गया है, अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि मसाले पर तार आ जाए। इसको अच्छे से चलाकर इतना पकाएंगे कि मसाले पर तार आ जाए। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी और बनने देंगे। देखो मसाले पर तार आ गया है। अब इसमें हम फिर से ऐड करेंगे। हम इनको पलट देंगे ताकि इनमें मसाला अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। मंडल की आधा ही है। आ गया। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप अपने अनुसार भी ग्रेवी रख सकते हैं। ये हमने फाइनल पका लिया है। अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी फिश करी बनी है।